गाइस वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक नया थ्योरम देखेंगे, दैट इज एक्चुअली वो प्रॉपर्टी है। पहली बात तो आपको बता देता हूँ कि वो प्रॉपर्टी है, लेकिन आपको प्रूफ करने के लिए आता है और बोर्ड में ये प्रॉपर्टी एज अ थ्योरम करके आपको पूछा जाता है। ओके, तो इसके लिए आपको ये थ्योरम या प्रॉपर्टी बोल सकते हैं वो देखने का है। थ्योरम क्या है वो देख लेते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ अ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल। ओके, जैसे मैंने कहा कि ये प्रॉपर्टी है, लेकिन प्रूफ करके दिखाने के हम लोग को, इसके लिए मैं थ्योरम भी बोल रहा हूं उसको। तो ये प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल का कौन से भी एक एंगल का बाइसेक्टर, ओके, उससे रिलेटेड ये प्रॉपर्टी है। वो बाइसेक्टर क्या करता है ट्रायंगल में, वो सब चीजें आपको देखने की। जैसे कि मैंने इससे पहले एक थ्योरम आपको बताया था, दैट इज बीपीडी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। उस टाइम पे मैंने आपको एक बात बताई थी कि आपको कुछ भी मतलब कौन सा भी थ्योरम रहेगा तो उसके लिए आपको उसका स्टेटमेंट पता रहना जरूरी है। तो यहाँ पे भी स्टेटमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। स्टेटमेंट क्या है वो देख लेते हैं। एंड स्टेटमेंट से, जैसे कि हम लोग को पता है कि हम लोग स्टेटमेंट से क्या निकालते हैं, अपना एक तो डायग्राम निकालेंगे, देन आप लोग गिवन एंड टू प्रूफ तक आप लोग आराम से पहुंच सकते विद द हेल्प ऑफ दैट स्टेटमेंट। ओके, देखते हैं इसका स्टेटमेंट क्या कहना है। द बाइसेक्टर ऑफ अ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। ओके, यहाँ पे भी एक ट्रायंगल है, उसका एक एंगल बाइसेक्टर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे एक ट्रायंगल है, दैट इज ए बी सी। कौन सा ट्रायंगल है? ए बी सी। उसमें यहाँ पे ए ई उसका क्या है? एंगल बाइसेक्टर है। क्या है? एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर क्या करता है? तो किसी भी एंगल का एंगल बाइसेक्टर उस एंगल के दो इक्वल पार्ट करता है। बाइसेक्ट करना मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने ये दो छोटे छोटे गोल बनाए, दैट मीन्स आइडेंटिकल। वो दो एंगल कैसे बन जाएंगे? सेम बन जाएंगे। इन अ ट्रायंगल, एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल, डिवाइड द साइड अपोजिट टू एंगल। इस एंगल के अपोजिट वाली साइड जो है कौन है? वो एबी। बराबर, इसको एंगल इन द रेशियो ऑफ अ रिमेनिंग साइड, रिमेनिंग साइड के रेशियो में, मतलब इसका रेशियो एई अपॉन ईबी और रिमेनिंग साइड, रिमेनिंग साइड कौन है? एसी और बीसी। इसका रेशियो कैसा रहेगा? सेम रहेगा। ये आपका एक्चुअल में क्या है? स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम है। ओके, तो उसका हम लोग देखते हैं गिवन किस तरह से आएगा। उन्होंने क्या कहा? द बाइसेक्टर ऑफ अ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। तो यहाँ पे ट्रायंगल किसका है? एबीसी। उसका एंगल बाइसेक्टर कौन है? सी। बराबर, तो वही लिखते हैं इन ट्रायंगल एबीसी, बाइसेक्ट ऑफ अ एंगल सी। बराबर, एंगल सी का बाइसेक्ट, इंटरसेक्ट कर रहा है किसको? सेगमेंट एबी को। एबी को इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट ई। आप लोग देख सकते हो, समझ में आया गिवन हम लोग का? ओके, इन ए ट्रायंगल एबीसी, एंगल सी का बाइसेक्टर, ओके, एबी को एट ई में क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। क्लियर, समझ में आया? सी आपका क्या है? एंगल बाइसेक्टर, और एबी को कहां पे टच कर रहा है? ई पे टच कर रहा है। क्लियर, इंटरसेक्ट कर रहा है, दैट इज। ओके, ये हो गया। देन आपका स्टेटमेंट के आगे क्या बोला था? तो वो क्या करता है? डिवाइड अपोजिट साइड टू द रिमेनिंग साइड। इसका रेशियो सेम रहेगा। अपोजिट साइड कौन सा है? ये एई और ईबी। इसका रेशियो देखो, एई अपॉन ईबी इज इक्वल टू रिमेनिंग साइड सीई और सीबी। इसका रेशियो कैसा रहेगा? सेम रहेगा। ये आपका क्या है? थ्योरम, मतलब ये आपको प्रूफ करने का है। तो देखते हैं वन बाय वन किस तरह से होने वाला है। तो पहले हम लोग कंस्ट्रक्शन देखते हैं। क्या देखते हैं? कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में यहाँ पे अगर हम लोग बात अभी तक यहां तक की कर रहे थे, यहाँ पे मैंने कुछ डायग्राम एक्सप्लेन कर दिया है और यहाँ पे भी एक अलग से ट्रायंगल बन रहा है, दैट इज सी डी बी बोल सकते हैं। वो आपका कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट है। तो देखो हम लोग ने क्या बताया है, ड्रॉ अ लाइन, ए लाइन पैरेलल टू रे सीई। सीई रे दिख रहा है आपको, इसको हम लोग एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करेंगे। ये लाइन इसको, ये लाइन पैरेलल है, ये सीई को एक लाइन पैरेलल है, दैट इज बीडी। सीई को कौन लाइन पैरेलल है? बीडी। पासिंग थ्रू द पॉइंट बी, बी से पासिंग करने वाली, जिसके लिए मैंने बोला बीडी है। क्या है? बीडी। एक्सटेंड एसी, एसी को हम लोग एक्सटेंड करेंगे, सो इंटरसेक्ट इट एट पॉइंट डी। तो ये इंटरसेक्ट करेगा डी तक। मतलब क्या करने का? देखो हम लोग सी को एक पैरेलल लाइन निकालेंगे बी से, सेगमेंट सी को एक पैरेलल लाइन निकालेंगे बी से, और सी का जो पैरेलल लाइन बी से निकलने वाला है वो एसी को एक्सटेंड करके डी में जाके क्या करेगी? मीट करेगी। मतलब बी डी इज पैरेलल टू सी, ऐसा बोल सकते हैं। क्लियर, यहां तक समझ में आया? इससे हम लोग ने स्टेटमेंट से डायग्राम गिवन टू प्रूफ और कंस्ट्रक्शन के बारे में देख लिया है। थोड़ा सा डायग्राम हमने एक्सटेंड करके कंस्ट्रक्शन देख लिया है। अभी आप जब आ जाते हैं अपने मेजर पार्ट, अगेन हाफ 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 करके दो मार्क्स सबके कंफर्म हो गए। बराबर, अभी हम लोग जाते हैं मेन पार्ट, दैट इज प्रूफ। ओके, प्रूफ के लिए क्या है वो देख लेते हैं। प्रूफ के लिए हम लोग दो अलग अलग एंगल्स में जाएंगे और उससे स्टेटमेंट कुछ करेंगे। देखो पहले मैंने क्या बोला, रे सी इज पैरेलल टू बीडी, तो अभी प्रूफ हो गया अपना, मतलब कंस्ट्रक्शन हो गया अपना, रे सी इज पैरेलल टू बीडी। बराबर, ये तो हो गया आपका क्लियर, यहां तक तो आपको पता है।
ओके okay, और अभी मैं क्या करता हूं, एडी को ट्रांसवर्सल बोलता हूं, एडी को क्या बोलता हूं, ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल पता है किसे बोलते हैं? ओके, ट्रांसवर्सल क्या करती है, किसी भी दो लाइन को इंटरसेक्ट जो करती है उसे हम लोग नॉर्मली ट्रांसवर्सल कहते हैं। ओके तो ये ट्रांसवर्सल है, तो उससे क्या होगा, देखो ये लाइन इसको पैरेलल है बराबर, और ये उसका ट्रांसवर्सल है, तो ए सी ई ये वाला एंगल और दूसरा ये बड़ा वाला एंगल दैट इज सीडीबी, कौन सा सीडीबी, ये वाला एंगल, ये लाइन के इस तरफ है, ये भी लाइन के इस तरफ है। अगर ऐसे दो पैरेलल लाइन के किसी भी साइड के जो एंगल्स बनते हैं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड अबव बिलो वाले जो एंगल्स बन जाते हैं दो पैरेलल लाइंस के वजह से, वो एंगल कौन से रहते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल। कैसे रहते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल, एंड करस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा कॉन्ग्रुएंट रहते हैं। कैसे रहते हैं? कॉन्ग्रुएंट। इसके लिए मैंने यहां पर स्टेटमेंट कर दिया है कि एंगल एसीई इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सीडीबी। एंगल एसीई आप लोग देख सकते हो लाइन के इस तरफ है, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड में है, सीडीबी ये भी लाइन के लेफ्ट हैंड साइड है। कौन सा लाइन, जो पैरेलल है उसके बारे में बात कर रहा हूं। ओके तो ये पैरेलल लाइन दैट इज सी एंड बीडी, इसके लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएगी, आपके कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। क्लियर? अभी सेम हम लोग पकड़ते हैं कि सी इज पैरेलल टू बीडी, सेम है, लेकिन अभी हम लोग ट्रांसवर्सल चेंज करके ये कट कर रहा है ऐसा बोलेंगे, दैट इज सेगमेंट बीसी इज अ ट्रांसवर्सल, हम लोग ऐसा कंसिडर करते हैं। इसको ट्रांसवर्सल लेते हैं, बीसी को लेते हैं, बीसी को ट्रांसवर्सल लेने की वजह से यहां पे एक लेटर क्रिएट हो रहा है जिसे हम लोग बोलते हैं, ये देखो यहां पे, ओके ये मैं ड्रॉ कर रहा हूं, वो जेड बन रहा है। क्या बन रहा है? जेड। जेड में कौन से एंगल फॉर्म होते हैं पता है आपको? जेड में आपके अल्टरनेट एंगल फॉर्म होते हैं। कौन से? अल्टरनेट एंगल। और अल्टरनेट एंगल कहां पे? ये अंदर वाला और ये अंदर वाला। देखो ये जेड का, जैसे कि हम लोग देख सकते, सॉरी यहां पर देखा था, ये देखो ये ऐसा जेड बन गया, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अल्टरनेट एंगल। तो यहां पे ये और ये है, इसके लिए इसका नाम क्या आ जाएगा? ईसीबी इज कॉन्ग्रुएंट टू सीबीडी, सीबीडी, और यहां पे लिख दिया हम लोग ने अल्टरनेट एंगल। समझ में आया सबको? क्लियर? फिर एक बार रिपीट करता हूं, देखो सी इज पैरेलल टू बीडी, एक बार ट्रांसवर्सल एडी, देन एसीई इज कॉन्ग्रुएंट टू सीडीबी, करस्पॉन्डिंग एंगल सेम। ओके सी इज पैरेलल टू बीडी, ओके बीसी इज द ट्रांसवर्सल, अभी कौन सा ट्रांसवर्सल कर दिया हम लोग ने? बीसी, देयरफॉर ये दैट इज ईसीबी इज कॉन्ग्रुएंट टू सीबीडी, और ये क्या आ गया आपका? अल्टरनेट एंगल। क्या आ गया? अल्टरनेट एंगल। यहां तक क्लियर है? चलो आगे जाते हैं। अभी हम लोग ने थोड़ी देर पहले क्या बोला, ये क्या है? सी क्या है? एंगल बाइसेक्टर। क्या है? एंगल बाइसेक्टर। इसका मतलब ये तो एंगल इक्वल हो जाएंगे, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया भी एंगल बाइसेक्टर क्या करता है, एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। दैट मींस ए सी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ई सी बी, यस और नो? यस। ओके तो हम लोग बोल सकते हैं ये दोनों इक्वल है, गिवन बोल सकते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 3 देते हैं। क्लियर? समझ आया सबको यहां तक? अभी चलो फिर से हम लोग एक काम करते हैं, इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 पे हम लोग थोड़ा सा नजर डालते हैं कि क्या बना। ओके तो देखो इसका यहां पर ए सी ई है और यहां पर ई सी बी है, लेफ्ट हैंड साइड में इसके क्या है? एसी और इसके ईसीबी, और इक्वेशन नंबर 3 कह रही है एसी इज इक्वल टू ईसीबी। ओके इक्वेशन नंबर 3 में देखो ना क्या लिखा है, एसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ईसीबी लिखा है, मतलब ये दिया था एक्चुअली। ओके तो हम लोग बोल सकते हैं इक्वेशन नंबर 1, 2 का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है। ओके 1, 2 का क्या है? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, और अगेन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल रहेगा तो यस राइट हैंड साइड भी इक्वल निकलेगा, दैट मीन्स एंगल सीबीडी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सीडीबी। ओके सीडीबी एंड सीबीडी, ये देखो सीडीबी एंड सीबीडी, कल बी और डी का एक्सचेंज कर दिया, थोड़ा सा ध्यान दो। ओके सीडीबी एंड सीबीडी ये दोनों कैसे हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट होके जाएंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, 2, 3। यहां तक समझ में आया? मैंने पहले क्या निकाला? करस्पॉन्डिंग एंगल, देन मैंने क्या निकाला? अल्टरनेट एंगल, देन गिवन का पार्ट लेके 3 इक्वेशन को कंबाइन कर दिया एंड सीडीबी इज कॉन्ग्रुएंट टू सीबीडी बोल दिया। यहां तक समझ में आया सबको? ओके चलो उसको थोड़ा सा साइड में रख देते हैं। अभी हम लोग जाते हैं एक ट्रायंगल में, ट्रायंगल का नाम है सी बी डी। कौन सा ट्रायंगल है अपना? सी बी डी, ये देखो सी बी डी ये वाला। ओके यहां पे अभी क्या हो रहा है वो देखते हैं। यहां पे हम लोग ने बोला कि सी बी, यहां पे हम लोग क्या बोलेंगे, साइड सी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड सी डी, साइड सी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड सी डी। ओके क्यों? क्योंकि हम लोग ने अभी थोड़ी देर पहले ये एंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ये एंगल ऐसा बोला था, ये देखो सीबीडी इज कॉन्ग्रुएंट टू सीडीबी,
ओके okay? ये बोला हम लोग ने अभी थोड़ी देर पहले, ये एंगल दैट इज सी बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी बी, और अगर किसी ट्रायंगल के दो एंगल कॉन्ग्रुएंट रहेंगे तो उसके अपोजिट वाले साइड भी कॉन्ग्रुएंट रहते हैं। क्लियर? क्या बोला मैंने, अगर दो ट्रायंगल के कोई दो एंगल कॉन्ग्रुएंट रहेंगे तो एंगल के अपोजिट वाले साइड भी कैसे रहेंगे, कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। तो इसका अपोजिट कौन है, ये सी डी, और इसका अपोजिट कौन है, ये सी बी, तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे, सॉरी यहाँ पे लिखा था congruent हो जाएगा, that is opposite side of a congruent angle, okay? वही मैंने नीचे लिख दिया है, CB is equal to CD लिख दिया है, इसे equation number 4 देते हैं। समझ में आया सबको, हम लोग कहां पे गए, ये वाले ट्रायंगल में गए और यहां पे दो एंगल हम लोग ने congruent बता दिए थे तो उसके अपोजिट साइड भी इक्वल हो जाएंगे। क्लियर? चलो अभी हम लोग एक काम करते हैं, फिर से एक नया ट्रायंगल लेते हैं, अपना ट्रायंगल है ए बी डी, ओके कौन सा, ए बी डी, उसमें एक काम करता हूं, ये वाला पार्ट मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूं अभी के लिए, यहां पे कुछ नहीं है ऐसा पकड़ते हैं हम लोग। चलो तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा, तो इसमें हम लोग को पता है कि C इज पैरेलल टू BD, ये पता है बराबर, मतलब ट्रायंगल ABD में C किसको पैरेलल है, BD को, दैट मींस थर्ड साइड को पैरेलल है। और इससे पहले हम लोग ने जो थ्योरम देखा था BPT उसमें था कि अगर कोई भी एक लाइन ट्रायंगल के थर्ड साइड को पैरेलल रहेगी तो रिमेनिंग साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करती है बराबर, दैट इज एसी अपॉन सीडी इज इक्वल टू ए अपॉन ईबी होगा, एसी अपॉन ईबी इज इक्वल टू एसी अपॉन सीडी। ओके देखो एई सॉरी इधर गया, हाँ एई अपॉन ईबी इज इक्वल टू एसी अपॉन सीडी। समझ में आया कैसे हो गया, और ये हम लोग ने यहाँ पे क्या लिख दिया है, BPT लिख दिया है। समझा सबको, फिर एक बार रिपीट करता हूं, देखो हम लोग कौन से ट्रायंगल में गए, ए बी डी ये वाला बराबर, ये बड़ा ट्रायंगल ए बी डी, इसमें हम लोग को पता है ये वाली जो साइड है कौन सी, सीई, ये किसको कॉन्ग्रुएंट है, सॉरी पैरेलल है बीडी को। ओके यहां पे देखो सी इज पैरेलल टू सेगमेंट बीडी, ये आपका क्या है कंस्ट्रक्शन, ये आपका कंस्ट्रक्शन है, ये हम लोग ने पहले भी कर दिया यहां पे। ओके तो अगर ट्रायंगल में एक साइड, एक लाइन ट्रायंगल के एक साइड को कॉन्ग्रुएंट रहेगी तो रिमेनिंग साइड को क्या करती है, सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड करती है, ये आपका बीपीटी था, तो उसके हिसाब से ए अपॉन ईबी इज इक्वल टू एसी अपॉन सीडी आ जाएगा। क्लियर? अभी इसे इक्वेशन नंबर 5 देते, अभी थोड़ा हम लोग ना चेंजेस कर देंगे टाइम में। देखो ए को मैं ए लिखता हूं, ईबी को मैं ईबी लिखता हूं, एसी को मैं एसी लिखता हूं, और ये जो सीडी है क्या है, सीडी, उसको सीडी हटा के सीडी निकाल देता हूं उसका, और उसके जगह पे क्या लगा देता हूं, सीबी लगा देता हूं, चलेगा चलेगा, यहाँ पे बोल दिया ना सी डी इज इक्वल टू सीबी बोल दिया है, यस ओके, तो सीबी को मैं हटा के सीबी लगा सकता हूं। क्लियर? इक्वेशन 4 के हिसाब से फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 ये कंबाइनली कर सकता हूं, दैट इज ए अपॉन ईबी मैंने एज इट इज रखा, एसी अपॉन सीडी में सीडी को हटा दिया और सीडी की जगह पे मैंने किसको लगा दिया, सीबी को लगा दिया। ओके और यही आपको प्रूफ करने का था, आप लोग देख सकते हो कि हम लोग ने प्रूफ कर दिया है। क्लियर? कि ट्रायंगल में एंगल का बाइसेक्टर अपोजिट साइड को रिमेनिंग साइड के रेशियो में डिवाइड करता है। क्लियर? तो इस तरह से ये प्रॉपर्टी है एंगल बाइसेक्टर का, प्रॉपर्टी ट्रायंगल के एंगल बाइसेक्टर का प्रॉपर्टी, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अगेन इसके रिलेटेड हमको सम भी करने के हैं, वो भी हम लोग देख लेंगे, लेकिन ये एज अ थ्योरम करके भी आपको आता है, तो प्रॉपरली स्टेटमेंट के साथ प्रॉपरली करके रखो। ओके तो बस आज के लिए इतना ही रहेगा, थैंक यू।